सुनील जाखड़ के वलों दलित भाईचारे दे तो मुआफ़ी मंग ली गई है। काशी के रविदास मंदिर पहुँच के सुनील जाखड़ ने मुआफ़ी मंगी है। दस दिए कि पिछले दिनों के उन्होंने एक विवादित बयान सामने आया से, जिस दे उन्होंने कहा सीगा कि कुछ लोगों जिन्होंने जुत्ती दे नोक ते रखा जाना चाहिए सी हाईकमांड ने सिर ते बिठा लिया सी। जिस तो बाद उन्हों का वड्डे पद्धर ते विरोध होया ते कहा गया कि उन्होंने जानबूझ के चन्नी नूं अजिहा कहा है। जिस तो बाद पंजाब भर के उन्होंने खिलाफ प्रदर्शन किए गए एसी भाईचारे के वलों ते उन्होंने पुतले भी फूके गए। चरणजीत सिंह चन्नी ने भी साबका मुख्यमंत्री पंजाब ने भी इसका बुरा मनाया सी, इसनूं गलत दस्या सी। दूजे पासे सुनील जाखड़ ने अपनी सफाई उस वेले पेश कीती सी। उन्हां दा कहना सीगा कि उन्हां दे बयान नूं गलत समझिया गया, तोड़ मरोड़ के पेश कीता गया, पर अज सुनील जाखड़ ने मुआफ़ी मंग ली है दलित भाईचारे तो। सुनील जाखड़ काशी मंदिर पहुँचे ने, रविदास मंदिर पहुँचे ने, जिथे जाके उन्होंने मुआफ़ी मंगी है। उन्हां दी एक वीडियो भी सुनील जाखड़ की सामने आई। दस दिए कि पंजाब कांग्रेस के साबका प्रधान ने सुनील जाखड़ से उन्हां दे वल्लों एक विवादित बयान दिता गया सी, जिस तो बाद वड्डे पद्धर ते रोस पाया गया ते उन्हां दे पुतले भी साड़े गए ते हुण उन्हां ने मुआफ़ी मंगी है। पूरी वीडियो भी तुहानूं दिखाउने आ। सोची भी नहीं किसी वास्ते कोई शब्द कहने का कोई फायदा ही नहीं, मतलब ही नहीं पैदा होता। फिर भी मैं समझता हूं किसी के मन से कोई अगर किसी किस्म की कोई भावना कोई चेतना या किसी किस्म की गलत है तो वास्ते मैं खेल पहले भी प्रकट किया। हूं भी मैं इतने गुरुदेव के जन्मस्थली पर आया तो मैं समझना जिसे भी तगड़े हो गए इन्होंने वास्ते इस तरह काम करते रहेंगे समाज की बेहतरी वास्ते सारे वर्गों के खास तौर पर जो सा गरीब पिछड़े रस्सी भाईचारे के लोग हैं उन्होंने इसी तरह सेवा करते रहेंगे। जय गुरु रविदास जी के नतमस्तक होने वास्ते इतने आया, इन्हों को ही बख्शिश लेने वास्ते आए हैं कि सारी उम्र गरीब भाईचारे वास्ते पिछड़े कुचले हुए वर्ग वास्ते खास तौर पर एससी भाईचारे रविदास नाम मनने वाली सारी संगत वास्ते जिहड़ा भी कोई समाज के पिछड़ गया उन्होंने वास्ते हमेशा लड़ाई लड़ते रहे उन्हें वास्ते बल बख्शन। गुरुदेव के अगे नतमस्तक होने वास्ते आने वाले समय के अंदर भी उस तरह ही गरीब पिछड़े समाज की लड़ाई लड़ते रहिए, क्योंकि अपने पूरे जीवन काल के अंदर कितने भी किसी समाज के प्रति या किसी व्यक्ति के प्रति कोई भी दुर्भावना सोची भी नहीं किसी वास्ते कोई शब्द कहने का कोई फायदा ही नहीं, मतलब ही नहीं पैदा होता। फिर भी मैं समझता हूं किसी के मन से कोई अगर किसी किस्म की कोई भावना कोई चेतना या किसी किस्म की गलत है तो वास्ते मैं खेल पहले भी प्रकट किया। हूं भी मैं इतने गुरुदेव के जन्मस्थली पर आया तो मैं समझना जिसे भी तगड़े हो गए इन्होंने वास्ते इस तरह काम करते रहेंगे समाज की बेहतरी वास्ते सारे वर्गों के लोग खास तौर पर जो सा गरीब पिछड़े रस्सी भाईचारे के लोग हैं उन्होंने इसी तरह सेवा करते रहेंगे। जय गुरु।